टीकमगढ़ में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का समर्थन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बिल वापस लेने की मांग की। कृषि कानून के विरोध में अपना समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन में मोदी सरकार के कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए वापस करने की मांग की। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के द्वारा तीन काले कानूनों का मुख्य उद्देश्य अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना है। ये कानून किसानों के हित में नहीं है। मोदी सरकार ने बिना किसी चर्चा के इन कानूनों को पारित किया है, जो कि गलत है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आशीष खरे ने भी बिल को किसान विरोधी बताते हुए वापस करने की मांग की है। भारत सरकार जो कृषि कानून लाई है मंडी के मामले में, उसके विरोध में पूरा देश का किसान आंदोलित है। राहुल गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब से की थी और पंजाब से पंजाब हरियाणा और दिल्ली तक किया था। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की समझ में ये बात नहीं है कि देश की 60% आबादी जो है कृषि पर आधारित है और किसान जो है देश का आंदोलन रखा है। ठीक है, किसानों ने जो किसान बिल मोदी सरकार ने लागू किया है उसके बिल के विरोध में ये आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने किसानों का समर्थन किया है। किसान हितैषी कांग्रेस पार्टी कहती है कि काला कानून वापस हो और इसमें सभी पार्टियों ने भी समर्थन किया, कई पार्टियों ने समर्थन किया है और इसी तारतम्य में आज हमारा नगर पूर्ण रूप से शिक्षा से बंद रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।